हाँ जी बेटा, लेट अस डू नाउ द रिजल्ट बेस्ड ऑन एक्सरसाइज 6.5 क्वेश्चन नंबर 6। बेटा मेरे पास जो है एबीसी इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल विद साइड 2a। प्लीज लर्न दिस फॉर्मूला। आपके पास इक्विलेटर की कोई भी साइड दी हो, इक्विलेटर की ट्रायंगल की कोई भी साइड दी हो, तो उसका ऑल्टीट्यूड का फॉर्मूला जो होता है ना, ऑल्टीट्यूड मतलब हाइट, ओके, दैट इज रूट 3/2 इंटू ए, दैट इज साइड, रूट 3/2 इंटू साइड। अब यहां पर मेरे पास साइड कितनी दी है, 2a, तो हमारे पास 2a पुट करूंगी तो आंसर कितना आएगा, कैसे आया मैं एक बार आपको बता देती हूँ। लेट अस सी, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, साइड्स 2a दी है। आपको पता है इक्विलेटरल ट्रायंगल में अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो वो ऑपोजिट साइड को क्या करता है, बाइसेक्ट करता है। दैट मींस दिस इज ए, क्योंकि पूरी 2a, अब क्योंकि ये परपेंडिकुलर है तो 90। अप्लाई द पाइथागोरस थ्योरम, अप्लाई द पाइथागोरस थ्योरम। जब आप पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करोगे, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर, हाँ जी, रूट के अंदर 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर कितना आएगा, रूट 3a स्क्वायर। तो जब रूट को सॉल्व करेंगे तो रूट 3a, मैंने भी तो वही कैलकुलेट किया बेटा। ये फॉर्मूला होता है, दिस इज द फॉर्मूला फॉर ऑल्टीट्यूड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। दैट फॉर्मूला इज रूट 3/2 साइड। जैसे इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया का फॉर्मूला होता है रूट 3/4 साइड स्क्वायर। अगर इसी ट्रायंगल का मुझे कहते एरिया निकालो, तो मैं सीधा कहती बेटा कि रूट 3/4 साइड कितनी दी थी, 2a, दैट मींस 2a स्क्वायर। तो आंसर कितना आता, रूट 3/4 4a स्क्वायर, रूट 3/a स्क्वायर। अब इसी क्वेश्चन को मैं मोल्ड करूं, अगर मैंने ये कहा कि व्हाट विल बी द साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इफ एरिया एंड ऑल्टीट्यूड विल रिमेन सेम। बिल्कुल, अभी किया ना, साइड 2a था तो मैंने ऑल्टीट्यूड निकाला तो रूट 3a आया, और एरिया निकाला वो भी मींस मेरे पास हो गए कोफिशिएंट, कह सकती हूँ बराबर तो नहीं आया, क्योंकि यहाँ a स्क्वायर है और वहां पर a, तो ये कर सकती हूँ कि मैं कहूँ सो दैट द कोफिशिएंट विल रिमेन सेम, क्योंकि इक्वल मेरे पास वैल्यू, ऐसे नहीं आ सकती, साइड तब 2 बन जाना था क्योंकि a और a कैंसिल होके मेरे पास अपने आप बाकी सब वैल्यूज कट जाने। ओके बेटा, क्लियर, बात समझ आई। आप इक्वेट कर दीजिए, देखिए नवया, इक्वेट रूट 3/2 ए, दैट इज इक्वल्स टू रूट 3/4 ए स्क्वायर। ए और ए कैंसल, रूट थ्री कैंसल और 2, तो मेरे पास 100% ए की वैल्यू कितनी आई, 2। ओके जी, नवया पता चला। चलिए बेटा नेक्स्ट, मेरे पास जो है क्वेश्चन है मैंने क्वेश्चन दिया व्हाट विल बी
द साइड ऑफ अ इक्विलेटरल ट्रायंगल इफ ऑल्टीट्यूड एंड एरिया इज सेम। मैंने अभी फॉर्मूला बताया इक्विलेटरल ट्रायंगल का, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, ऑल्टीट्यूड का फॉर्मूला क्या होता है। अब पता चला टू कहां से आया, फोर कहां से आया, समझ आई, थैंक गॉड। चलिए नेक्स्ट मेरे पास हो गए क्वेश्चन नंबर 7। प्रूफ दैट द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द साइड ऑफ द रोम्बस इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ इट्स डायगोनल। प्लीज अब ये क्वेश्चन कैसे मोल्ड होके आ सकता है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटर द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द साइड इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ इट्स डायगोनल। तो आपको क्या पता होना चाहिए, रोम्बस। क्यों ऐसा होता है, कैसे आया, मैं थोड़ा सा हिंट दे देती हूँ। देखिए इफ दिस इज रोम्बस, रोम्बस के डायगोनल क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। इफ आई टुक ओनली दिस ट्रायंगल, दक्ष बेटा अब देख ले, जब मैंने सारा क्वेश्चन करा देना है ना, फिर दक्ष ने कहना मैडम ये कैसे आया। अब बेटा पिछला तो रह गया, लेट अस डिस्कस द न्यू, फिर उसमें भी रह जाओगे, करें आगे। अब मैंने प्रूफ करना है ए बी स्क्वायर, बी सी स्क्वायर, सी डी स्क्वायर, ए डी स्क्वायर दैट इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। आई नीड टू प्रूफ, है ना। आपको पता है कि रोम्बस के डायगोनल्स क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं एट 90 डिग्री, मींस दिस इज 90 डिग्री। दैट मींस इफ आई टुक दिस ट्रायंगल, ठीक है, अगर मैंने ये ली मान लीजिए, तो ए ओ स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर दैट इज ए बी स्क्वायर बाय पाइथागोरस थ्योरम। मुझे पता है रोम्बस की चारों चारों साइड क्या होती हैं, इक्वल। मैंने दोनों तरफ से ना 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। क्यों किया, क्योंकि मेरे माइंड में आया 4 टाइम्स ए बी स्क्वायर है, तो मैं इसको ए बी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर लिख दूंगी और एक को रहने दूंगी ए बी स्क्वायर। और मुझे पता है ए बी बी सी के इक्वल है, ए बी सी डी के इक्वल है, ए बी ए डी के इक्वल है, तो मैंने एक साइड पे तो सारा काम कर दिया। अब आ जाओ इधर, मैंने 2 ए ओ होल स्क्वायर कर दिया, 2 ओ बी होल स्क्वायर कर दिया, कोई प्रॉब्लम तो नहीं, 4 को अंदर लेके गई, 2 से कर सकती हूँ ना। अब 2 टाइम्स ए ओ, 2 टाइम्स बी ओ, तो आई विल राइट हियर ए सी स्क्वायर बी डी स्क्वायर। यही प्रूफ करना था, बट आपको रिजल्ट याद रखना है। इन रोम्बस, ठीक है, ये उसी केस में पॉसिबल गए, यहां पर पहली तो बात डायगोनल बाइसेक्ट करें, और दूसरी बात 4 की 4 साइड्स क्या हो, इक्वल, और डायगोनल बाइसेक्ट करें 90 डिग्री। ए बी डायगोनल में आता है बेटा कहीं, बिकॉज रोम्बस और रोम्बस की चारों साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती। मैंने डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं, इसीलिए 2 टाइम्स ए ओ इज इक्वल टू ए सी, 2 टाइम्स ओ बी इज इक्वल टू बी डी। ओके जी, चलो बेटा आगे। हाँ जी जल्दी करो बेटा। Now let us see the next question. Question number जो है मेरे पास 8, very easy. In the given figure, O is the interior point of the triangle ABC. This is a triangle ABC. Now O D
परपेंडिकुलर टू बी सी, ओ एफ परपेंडिकुलर टू ए बी, ओ ई परपेंडिकुलर टू ए सी, इट इज रिटन। नाउ शो दैट, सबसे पहले देखिए ओ ए स्क्वायर, ओ बी स्क्वायर, ओ सी स्क्वायर माइनस ओ डी स्क्वायर, ओ ई स्क्वायर, ओ एफ स्क्वायर इज इक्वल टू ए एफ स्क्वायर, बी डी स्क्वायर, सी ई स्क्वायर। अब जरा पहले रिजल्ट को देखिए, मैंने कैसे लर्न किया हुआ है। ओ ए, अगला क्या है, ओ बी, ओ सी, यानी मेरे पास जहां जहां परपेंडिकुलर ड्रॉ हुए उसके साथ वाली वर्टेक्स के साथ मैंने क्या कर दिया, ओ पॉइंट को ज्वाइन किया, क्योंकि अपने आप राइट एंगल ट्रायंगल बनेगी, अपने आप क्या बनेगी, राइट एंगल ट्रायंगल, क्योंकि आप देखो ओ ए स्क्वायर दो ही ट्रायंगल में आ रहा है, एक इधर एक इधर, दोनों राइट एंगल ट्रायंगल है, क्योंकि बट मैंने देखना है ना मुझे दोनों चाहिए या कैसे, तो उसके लिए मैं अगली टर्म्स भी देखती हूँ। ओ डी मेरे पास हो गए, ये वाली टर्म पहले ये थी, अब ओ डी, ओ ई, देन ओ एफ, यानी मुझे यहां से ए ओ ई ट्रायंगल पता चल रही है, पता चल रही है कि नहीं। इधर यहां से अगर मैं देखूं तो अगर इधर से ये वाली ली तो अगली ये ट्रायंगल आ रही है, अगली ये ट्रायंगल आ रही है, एक एक छोड़ के आ रही है। आप थर्ड साइड भी देख सकते हो, ए मेरे पास जो है एफ, अभी तक तो मैंने ये डिसाइड किया था कि मेरे पास मैं ये लू और ये लू। अब मैं थर्ड साइड भी देखूं अगर कि मेरे पास क्या बनती है, ए एफ स्क्वायर ये आ रही है, अगले में बी डी ये आ रही है, अगले में, यानी यहां से तो कुछ और ही चेंज हो गया ना, क्योंकि तीनों साइड कौन सी ट्रायंगल में आ रही है, एक दो तीन, तीनों में पाइथागोरस थ्योरम लगाइए, ऐड कीजिए, यू विल गेट योर रिजल्ट। यानी यहां से व्हाट आई कंक्लूड कि अगर एक साइड डी हो और दूसरी साइड मैंने कैसे बनानी है, प्लीज लिसन इट केयरफुली। मान लो ये वाले भी इधर नहीं होते, इसको उधर डैश होता, आपको ये साइड दी होती और मुझे ये बनानी, मैंने ये बनानी है, तो 100% जो है आप यहां से देखोगे ए एफ स्क्वायर और साथ में मेरे पास हो गए ओ एफ स्क्वायर। अगर ये 90 है, ओ ए एफ स्क्वायर और ओ एफ स्क्वायर, 100% ओ ए स्क्वायर आएगा, इधर से ओ डी स्क्वायर और बी डी स्क्वायर किसके इक्वल आएगा, बी ओ स्क्वायर के, अगली बार ओ ई स्क्वायर प्लस सी ई स्क्वायर किसके इक्वल, तो अपने आप तीनों को प्लस करें तो रिजल्ट आ जाएगा ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर। ठीक है जी, तो कुछ रिजल्ट आप नव्या, ये जो रिजल्ट है मान लो मैं ये कह रही हूं ये इधर आ जाए पेपर में ऐसे, क्या रह गया था, ओडी ओ एफ, मुझे ये साइड दे दी और यहां डैश डाल दिया, तो मुझे कैसे पता चलेगा क्या आंसर आना है। मैंने ये देखा ए एफ स्क्वायर, ए एफ स्क्वायर और ओ एफ स्क्वायर है, तो उसकी प्लेस में मैं क्या लिख सकती हूँ, ओ ए स्क्वायर, ऐसे ही इन दोनों की साइड पे ओ बी स्क्वायर, फिर इन दोनों की साइड पे ओ सी, तीनों का प्लस आंसर। रिजल्ट याद करना है आपने, ओके जी। नेक्स्ट सेकंड पार्ट जो है, एक तो ये ट्रू है, एक ट्रू क्या है देखिए, ए एफ स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर
प्लस सी स्क्वायर इक्वल्स टू आप जरा जनरलाइज कीजिए इसको प्रूफ हो जाएगा जो दो दो पेयरिंग थी उसको एडजस्ट करके आराम से रिजल्ट हो जाएगा बट लर्न कैसे करना है अगर मैंने ए एफ सी लिया ए एफ स्क्वायर दूसरा अगला दैट इज इक्वल टू अब जो बच गया कौन कौन सा बचा है ए स्क्वायर प्लस एफ बी स्क्वायर प्लस सी डी यानी एक एक छोड़ के का स्क्वायर इज इक्वल टू रिमेनिंग टर्म्स का स्क्वायर का प्लस बात समझ आई पता चला सबको कुछ भी डैश जरूरी थोड़ा ए बी सी डी बन के आए तो हमें जनरलाइज सोचना है अगर यहाँ पी क्यू आर होता यहाँ ए बी सी होता तो तुम क्या करते अच्छा जी इसका स्क्वायर इसको छोड़ दिया इसका स्क्वायर इसको छोड़ दिया इसके स्क्वायर दैट इज इक्वल टू अब जो बाकी तीन छोड़े थे उनके सम स्क्वायर का सम के इक्वल बस बात समझ आई बेटा ओके जी नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा अब नेक्स्ट क्वेश्चन तो कैलकुलेट करने वाला है उसमें रिजल्ट नहीं आपको कैलकुलेशन ही करनी है व्हाट इज गिवन इन नाइन्थ क्वेश्चन अ लैडर इज 10 मीटर लॉन्ग रीच अ विंडो लैडर कैसे खड़ी होती है हमेशा स्लांटिंग ऐसे एक लैडर 10 मीटर लॉन्ग जो है रीचेस द विंडो 8 मीटर अबव द ग्राउंड फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द फुट ऑफ द लैडर फ्रॉम द बेस ये तो ट्रिग्नोमेट्री में भी कर चुके हो ना क्या करोगे क्या लगाओगे हो जाएगा चलिए नेक्स्ट सेम सेम क्वेश्चन प्लीज विवान क्वेश्चन नंबर 11 क्वेश्चन नंबर 12 आप खुद ट्राई करोगे पाइथागोरस थ्योरम लगनी है कोई प्रॉब्लम नहीं होगी ओके जी नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 13 10th 11th 12th ओके जी क्वेश्चन नंबर 13 डी एंड ई आर द पॉइंट्स ऑन द साइड सी ए एंड सी बी रिस्पेक्टिवली ऑफ द ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल एट सी देयर इज अ पॉइंट डी एंड ई इज ऑन द पॉइंट बी सी नाउ प्रूफ दैट मेरे पास हो गए ए ई स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर ए ई स्क्वायर प्लस डी ई स्क्वायर ऑब्वियस है मेरे पास डी ई बोला है बी डी बोला है बाकी तो जो जो ट्रायंगल वो कह रहे हैं जहां पर स्क्वायर आ रहा है वो राइट एंगल ट्रायंगल ले लीजिए सबसे पहले ए ई स्क्वायर है तो क्या करेंगे कौन सी ट्रायंगल लेंगे ए ई सी पाइथागोरस थ्योरम लगाएं तो क्या आएगा मार्क दिस फर्स्ट बी डी स्क्वायर दैट मींस बी डी सी दैट मींस बी डी स्क्वायर इज इक्वल टू पुट द वैल्यूज ऑन लेफ्ट हैंड साइड व्हेन यू पुट हियर यू गेट
एसी स्क्वायर, सीई स्क्वायर, डीसी स्क्वायर, बीसी स्क्वायर। अब प्रॉब्लम ये है, अगर आपको राइट हैंड साइड नहीं दी, हमने सोचना क्या बना सकते हैं। अब मैं ये देखूं, अगर मेरे पास एसी स्क्वायर है, एसी स्क्वायर है, ओके, और मेरे पास बीसी स्क्वायर है, मैं इसकी जगह क्या लगा सकती हूँ, ए बी स्क्वायर बाय पाइथागोरस। अब बाकी क्यों बचे, सी ई स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर, इसकी जगह क्या लिखूंगी, देखो मेरा प्रूफ हो गया। ओके बेटा, दोनों में पहले दो बार पाइथागोरस एडिंग, फिर दो बार पाइथागोरस, एंड यू विल गेट योर रिजल्ट। अब रिजल्ट याद अगर जनरलाइज करें, आप देखिए ए ई स्क्वायर जो साइड थी और बी डी है ना, ये किसके इक्वल है, ए बी यानी साइड, और उधर से जो अंदर एक साइड रह गई छोटी, सबसे छोटी, वो स्क्वायर का सम के इक्वल है। मैं बार बार कह रही हूं रिजल्ट को जनरलाइज, आप ए बी सी डी याद नहीं कर सकते, आपने ये याद करना है अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल है, मान लीजिए पी क्यू आर, आई हैव टेकन, यहां कोई पॉइंट है ए, यहां कोई पॉइंट है बी, मैंने सबको ज्वाइन कर लिया, कर दिया। अब मैंने कैसे याद रखा है, मेरे पास हो गए सबसे पहले इस टर्म का स्क्वायर इस टर्म के स्क्वायर के इक्वल, प्लस मींस पी आर स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर, ये किसके इक्वल होना है मेरे पास, पी बी स्क्वायर प्लस ए आर स्क्वायर। मैंने भी तो लर्न अभी की है ना, जो भी क्वेश्चन है उसको स्टेटमेंट को जर्नलाइज करो कि कौन कौन सी साइड लेनी है। अगर ऐसा क्वेश्चन आता है, यू आर एबल टू डू देन क्वेश्चन स्पीडली इन द पेपर। ओके जी, नाउ कम टू नेक्स्ट, मेरे पास है वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट, हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 14, द परपेंडिकुलर फ्रॉम ए ऑन द साइड बीसी ऑफ ए ट्रायंगल जो है ए बी सी इंटरसेक्ट बी सी एट डी सच दैट, मुझे दिया हुआ है कि बी डी इज 3 times सी डी। अब बेटा देखिए, द फिगर इज गिवन टू यू, ए बी सी ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया और मुझे दिया है डी बी इज 3 times सी डी, देन प्रूफ दैट अब बेटा देखिए, सबसे पहले तो फिगर में ही मैं क्वेश्चन ऐसे भी डाल सकती हूँ, देखो मैंने स्टेटमेंट दी हुई है कि ऐसी फिगर है परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, और मैंने कहा इफ दिस इज ट्रू ओनली व्हेन, ये कब ट्रू हो सकता है, जब बी डी इज 3 times सी डी। मैं इसकी जगह एक और कंडीशन डाल सकती हूँ, अगर उसने कहा कि बी डी 3 times सी डी है, तो मैं ये भी डाल सकती हूं बी डी इज ये 3 parts ये 1 part 3/4 बी सी। नहीं, एमसीक्यू में ऑप्शन कोई भी हो सकती है। अगर उसने कहा ये बी डी 3 times सी डी है, यानी अगर ये एक्स है, तो
तो ये क्या हो गया, 3x हो गया हुआ। अब मुझे रिलेशन निकालना है, तो 100% BD ओवर BC लेना है। अब BD कितना है, 3x, BC पूरा कितना हो गया, XX कट गया, तो अपने आप ये 3 बन। ये भी ऑप्शन हो सकती है, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। हम आपको कह रहे हैं ना स्टेटमेंट लर्न करो, तो लर्न भी जरा हिसाब से। यहां आपको ये याद करना है कि 1 is 3 times the other, तो जरूरी नहीं है कि ये रिलेशन आपको ऐसा ही दिया जाए, ये भी दे सकते हैं, वो ये भी दे सकते हैं। CD ओवर BC कितना हो जाएगा, 1/4, वो ये भी दे सकते हैं। CD इज जो गए मेरे पास डैश टाइम 1/3, यस BD कुछ भी। तभी कह रही हूं ना आपको रिजल्ट इतनी, बेटा अगर आपको इस स्टेटमेंट का ये रिजल्ट याद है कि एक टर्म दूसरे का 3 times है, तो आप कोई भी अगर 3 times वाला है ही नहीं, तो आप फिगर बना के वहां पर सारी रेशियोज निकाल के देख सकते हैं और उसको टिक कर सकते। प्रूफ करने का तो टाइम ही नहीं होगा, मैं क्लियर कट कह रही हूं। बात समझ आई बेटा सबको, कोई प्रॉब्लम तो नहीं? अब मैं प्रूफ करने लगी हूं क्वेश्चन। मैंने स्टेटमेंट ही चेंज की, फिगर तो यही रहनी है ना, कंडीशन तो यही है ना कि यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, सच दैट ये जो है 3 times ऑफ दिस है, बस। ओके अब क्या करेंगे, सबसे पहले आपको किसका चाहिए, ए बी स्क्वायर किस में आ रहा है, इस ट्रायंगल में, राइट दैट ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर प्लस, मार्क दिस वन। आगे देखिए दूसरी साइड पे क्या चाहिए, ए सी, और अब ए बी वाली साइड पे तो नहीं ना चाहिए। अगर आप यहां लिख रहे हो ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर, अब दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे, एड क्यों नहीं करेंगे? अगर आप एड करोगे ए बी और ए सी सेम साइड पे आ जाएंगे। मुझे प्रूफ में कहां चाहिए, डिफरेंट साइड में, तो क्या करोगे, सब्ट्रैक्ट। जब आपने सब्ट्रैक्ट किया तो मेरे पास क्या बचा, ए बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर, और दूसरा आंसर में एडी नहीं चाहिए था, एडी एडी क्या हो गया। अब मेरे पास क्या बचा, अब मैं क्या कर सकती हूं, मुझे बीडी को ब्रेक करना है, सो दैट आई विल गेट द आंसर इन द फॉर्म ऑफ बीसी। मैं कैसे ब्रेक कर सकती हूं, अब देखो मैंने, प्लीज प्लीज लेट मी एक्सप्लेन, मुझे बीसी की फॉर्म में चेंज करना है, बीसी को मैं सीडी प्लस बीडी लिख सकती हूं। बीसी कितना है, 4x, सीडी कितना है, बीडी कितना आ गया, आ गया। ये नॉर्मली बच्चे इस फॉर्म में करते हैं, ठीक है, उससे भी कर सकते हो, बाद में x को चेंज कर दूंगी मैं। मैंने अगर इसको x लिया, बीसी में चेंज करना है, आपने वो करना है आप उससे कर लो, क्योंकि सब कुछ आपको बीसी में चाहिए, आप उसमें मत चेंज करो इसको, बीसी का बीसी रहने दो। सीडी बीसी का कितना पार्ट है, एक्स बाय 4x प्लस बीडी, टेक एलसीएम,
मैंने बीडी थोड़ा लिखना था बेटा, वेट, बताने लगी बेटा। मैं सीधा ही इजी तरीका बताती हूँ, आपको ऐसे प्रॉब्लम आ जाएगी। बी डी बी सी का कितना पार्ट है? बी डी जो है दैट इज 3/4, बी डी इज 3/4 ऑफ बी सी, है क्या नहीं है? हाँ जी। उधर से सी डी 1/3 ऑफ बी सी, ऐसे पुट कर लो। बिल्कुल जी। नाउ पुट द वैल्यूज हियर, 3/4 बी सी स्क्वायर प्लस 1/4 बी सी माइनस बेटा स्क्वायर, ओपन इट एंड गेट योर आंसर। ओके बेटा, दिस कंप्लीट्स योर सम